भाई साहब क्या बात कही आपने। सब देखिए ऐसे एक शेर लिखा इसके लिए एक बार ऐसा कि तेरे जाने के बाद जो मैं रह जाऊंगा वो मुझसे तो नहीं संभलता, इसलिए पत्थर कर लिया है दिल को अब कहीं नहीं पिघलता। होता था कि ग्रेजुएट बनना चाहिए किसी भी तरह से पढ़ लिख करके हम पास हो गए ग्रेजुएट हो गए। तो ग्रेजुएट के बाद हम लोग जो पांच छह मित्र जन थे शाम को बैठा करें अकेले, मैं यार क्या यार कुछ नौकरी वोकरी मिली क्या, बोले नहीं कुछ नहीं हुआ यार। एक दिन क्या हुआ, एक लड़का था वो बोला यार हम बताएं आपको हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा प्रॉब्लम है ये कि हमारे बाप ने हमको पैदा क्यों किया था। सर हमको लगा कि ये जो लौंडा है ये सही बोल रहा है। तो जिंदगी में पहली बार और आखिरी बार बाबूजी के सामने गया मैं और उनको हमने बोल दिया कि आपने हमको पैदा क्यों किया था। सर इधर से कुछ जवाब नहीं आया और हम चले गए कमरा छोड़ के। सो गए हम, जब उठे तो हमने देखा कि तकिए के बगल में एक कागज रखा है, वो कागज में एक कविता लिखी है बाबूजी ने, तो वो कविता हम आपको सुनाना चाहें कि जिंदगी और जमाने की कश्मकश से घबराकर मेरे बेटे मुझसे पूछते हैं कि हमें पैदा क्यों किया, और मेरे पास इसके सिवा कोई जवाब नहीं कि मेरे बाप ने भी बिना पूछे मुझे क्यों पैदा किया और उनके बाप ने बिना पूछे उन्हें और उनके दादा ने बिना पूछे उन्हें। जिंदगी और जमाने की कश्मकश पहले भी थी आज भी है शायद ज्यादा, तुम ही नई लीक रखना अपने बेटों से पूछ के उन्हें पैदा करना। बहुत मजा आया होगा, करो अपनी जिंदगी यूं ही बर्बाद। दोस्तों मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए वरना जिंदगी में कुछ हाथ नहीं लगेगा। इंटरनेट की पावर को जानते हो, ऑनलाइन बिजनेस की पावर को समझते हो, गूगल पे सर्च कीजिए नीचे दी गई वेबसाइट को, तब आपको पता चलेगा कैसे सिर्फ 11 साल के एक लड़के ने, सिर्फ 11 साल के एक लड़के ने YouTube से 1,000 करोड़ रुपए कमा डाले। जी हाँ दोस्तों 1,000 करोड़, और आप यूं ही देखते रह गए।